जिनका कहीं अंत नहीं है, जो अनंत और अपार हैं, उन भगवान अनंत की पूजा विधि का अंत नहीं है। श्री विष्णु का पूजन तीन प्रकार का होता है, वैदिक, तांत्रिक तथा मिश्र। तीनों के ही बताए हुए विधान से श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। वैदिक और मिश्र पूजन की विधि ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों के लिए बताई गई है, किंतु तांत्रिक पूजन सभी विष्णु भक्त के लिए विहित है। साधक पुरुष को उचित है कि शास्त्रोक्त विधि का ज्ञान प्राप्त करके एकाग्रचित हो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए श्री विष्णु का विधिवत पूजन करे। भगवान की प्रतिमा 8 प्रकार की मानी गई है, शिलामयी, धातुमयी, लोहे की बनी हुई, लीपने योग मिट्टी की बनी हुई, चित्रमयी बालू की बनी हुई, मनोमयी तथा मणिमयी। इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा 2 प्रकार की होती है, एक चल और दूसरी अचल। भक्त पुरुष को चाहिए कि वह जो कुछ भी सामग्री प्राप्त हो उसी से भक्ति भाव के साथ पूजन करे। प्रतिमा पूजन में स्नान और अलंकार ही अभीष्ट, अर्थात भगवत विग्रह को स्नान कराकर पुष्पाद से श्रृंगार कर देना ही प्रधान सेवा है। श्री कृष्ण भक्ति रखने वाला मनुष्य यदि केवल जल भी भगवान को अर्पण करे तो वह उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ है, किंतु फिर गंध, धूप, पुष्प, दीप और अन्न आदि का नैवेद्य अर्पण करने पर तो क्या कहना। अन्न आदि का नैवेद्य अर्पण करने पर तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पवित्रता पूर्वक पूजन की सारी सामग्री एकत्रित करके कुशों का आसन बिछाकर उस पर बैठें। पूजन करने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर और या प्रतिमा के सामने हो। फिर पाद्य, अर्घ, स्नान, अर्हड़ आदि उपचारों को की व्यवस्था करें। उसके बाद कर्णिका और केसर से सुशोभित अष्टदल कमल बनावें और उसके ऊपर श्रीहरि के लिए आसन रखें। तदंतर चंदन, उशीर, कपूर, केसर तथा अर्घजा से सुवासित जल के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक भगवान श्रीहरि को स्नान कराएं। वैभव हो तो प्रतिदिन इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। स्वर्ण धर्म नामक अनुवाक महापुरुष विद्या सहस्त्र शीर्षा आदि पुरुष सूक्त का तथा साम, वेदोक्त, निरीजना आदि मंत्रों द्वारा श्रीहरि का स्नान करावे। तत्पश्चात श्री विष्णु भगवान को पुरुष जन जो है वस्त्र, यज्ञोपवीत, अभिभूषण, हार, गंध तथा अनुलेपन के द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान का यथा योग्य श्रृंगार करी। पुजारी को उचित है कि वह श्रद्धापूर्वक पाद, आसमनीय, गंध, पुष्प, अक्षत तथा धूप आदि उपहार अर्पण करें। उसके बाद गुड़, खीर, घी, पूड़ी, मालपुआ, लड्डू, दूध और दही आदि नाना प्रकार के नैवेद्य निवेदित करें। पर्व के अवसरों पर अंगराग लगाना, दर्पण दिखाना, दंत धावन कराना, अभिषेक कराना, अन्न आदि की बनी हुई पदार्थ का भोग लगाना, कीर्तन करते हुए नृत्य करना, गीत गाना आदि सेवाएँ भी करनी चाहिए। संभव हो तो प्रतिदिन ऐसी ही व्यवस्था करें, न संभव हो तो किसी खास त्योहारों के दिन ये सब व्यवस्था अवश्य करें। पूजन के पश्चात इस प्रकार ध्यान करें। भगवान विष्णु की विग्रह श्याम्बर एवं तपाए हुए जाम्बुनद नामक सुवर्ण के समान तेजस्वी है। भगवान के शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित 4 भुजाएं हैं। उनकी आकृति शांत है। उनका वस्त्र कमल के केसर के समान पीले रंग का है। वे मस्तक पर किरीट, दोनों हाथों में कड़े, गले में यज्ञोपवीत तथा उंगलियों में अंगूठी धारण किए हुए हैं। उनके बच्छा स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। कौस्तुकमणि उनकी शोभा बढ़ाता है। वे वनमाला धारण किए हुए हैं। ऐसी प्रतिमा अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में आप संजो के रखें। इस प्रकार ध्यान करते हुए पूजन समाप्त करके घी में डुबोई हुई समधियों तथा हविष्य द्वारा अग्नि में हवन करें। आज भाग तथा आघार नामक आहुतियाँ देने के पश्चात घृतपूर्ण हविष्य का होम करें। तदंतर पुनः भगवान का पूजन करके उन्हें प्रणाम करें और पार्षदों को नैवेद्य अर्पण करें। उसके बाद मुख शुद्धि के लिए सुगंधित द्रव्यों से युक्त तांबू पर निवेदित करना चाहिए। फिर छोटे बड़े पौराणिक तथा अर्वाचीन स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करके भगवान प्रसिद्ध यूँ कहकर प्रतिदिन दंडवत करना चाहिए। अपना मस्तक भगवान के चरणों में रखकर दोनों भुजाओं को फैलाकर परस्पर मिला दें और इस प्रकार कहीं परमेश्वर में मृत्यु रूपी तदग्रह तथा समुद्र से भयभीत होकर आपके शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा पुरुष वर करें। महिलाएं सिर झुका के प्रणाम करें। उन्हें धरती पर
पूरा नहीं लेटकर प्रणाम करना चाहिए। तदंतर भगवान को अर्पण की हुई प्रसाद माला आदि को आदरपूर्वक सिर पर चढ़ाएं तथा यदि मूर्ति विसर्जन करने योग्य हो तो उसका विसर्जन भी करें। ईश्वरीय ज्योति को आत्म ज्योति में स्थापित कर लें। प्रतिमा आदि में जहाँ भगवान का चरण हो वहीं श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहिए तथा मन में यह विश्वास रखना चाहिए कि जो संपूर्ण भूतों से तथा मेरी आत्मा में भी रम रहे हैं वही सर्वात्मा परमेश्वर इस मूर्ति में विराजमान है। इस प्रकार वैदिक तथा तांत्रिक क्रिया योग के मार्ग से जो भगवान की पूजा करता है वह सब ओर से अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है। श्री विष्णु प्रतिमा की स्थापना करके उसके लिए सुदृढ़ मंदिर बनवाना चाहिए तथा पूजा कर्म की सुव्यवस्था के लिए सुंदर फुलवाड़ी भी लगवानी चाहिए। बड़े बड़े पर्वों पर तथा प्रतिदिन पूजा कार्य का भलीभांति निर्वाह होता रहे इसके लिए भगवान के नाम से खेत बाजार कस्बा और गांव आदि भी लगा देना चाहिए। यूं करने से मनुष्य भगवान के सायुज्य को प्राप्त होता है। भगवत विग्रह की स्थापना करने से सार्वभौम के पद को मंदिर बनवाने में तीनों लोकों के राज्य को पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक को तथा इन तीनों कार्यों के अनुष्ठान से मनुष्य भगवत सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। केवल अश्वमेघ यज्ञ करने से किसी को भक्ति योग की प्राप्ति नहीं होती। भक्ति योग को तो वही प्राप्त करता है जो पूर्वोक्त रीति से प्रतिदिन भगवान श्री हरि की पूजा करता है। राजन वही शरीर सुख कल्याण का साधक है जो भगवान श्री कृष्ण की साष्टांग प्रणाम करने के कारण धूल धूसरित हो रहा है। नेत्र भी वही अत्यंत सुंदर हैं और तपह शक्ति से संपन्न है जिनके द्वारा श्रीहरि का दर्शन होता है। वही बुद्धि निर्मल और चंद्रमा तथा शंख के समान उज्ज्वल है जो सदा श्री लक्ष्मीपति के चिंतन में संलग्न रहती है तथा वही जिभ्या मधुर भाषणी है जो बारंबार भगवान नारायण का स्तवन किया करती है। स्त्री और अन्य वर्गों की को भी मूल मंत्र के द्वारा श्री भगवान हरि का पूजन करना चाहिए तथा अन्य वैष्णवजनों को भी गुरु की बताई हुई पद्धतियों से श्रद्धापूर्वक भगवान की पूजा करना उचित है। राजन यह सब प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। श्री माधव का पूजन परम पावन है, विशेषता वैशाख मास में तुम इस प्रकार पूजन अवश्य करें। महर्षिगढ़ इस प्रकार पत्नी सहित मंत्रवेक्ता सूत जी कहते हैं, महर्षिगढ़ इस प्रकार पत्नी सहित मंत्रवेक्ता महाराज अम्बरीश को उपदेश देकर उनसे पूजित हो विदा लेकर देवर्षि नारद जी वैशाख मास में गंगा स्नान करने के लिए चले गए। लोक में जिनका पावन सुयश फैला हुआ था उन राजा अम्बरीश ने भी मुनि की बताई हुई वैशाख मास की विधि का पुण्य बुद्धि से पत्नी सहित पालन किया और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की। यदि वैशाख महात्म की विष्णु पूजन की सविस्तार वर्णन फिर मिलेंगे। जय माता।